यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्रीमान आचार्य देवव्रत जी, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी, गुजरात विधानसभा के स्पीकर श्री राजेंद्र त्रिवेदी जी, देश के विभिन्न विधायिकाओं से पीठाधीश सभी पीठासीन अधिकारीगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज मां नर्मदा के किनारे सरदार पटेल जी के सानिध्य में दो बहुत ही महत्वपूर्ण अवसरों का संगम हो रहा है। ग्रीटिंग्स टू ऑल माय फेलो इंडियंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे, वी पे ट्रिब्यूट टू ऑल दोज ग्रेट विमेन एंड मैन हु आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज संविधान दिवस भी है और संविधान की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाने वाले आप पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन भी है। ये वर्ष पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का शताब्दी वर्ष भी है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के विधानसभा के संविधान सभा के उन सभी व्यक्तित्वों, उनको सबको नमन करने का भी दिन है, जिनके अथक प्रयासों से हम सब देशवासियों को संविधान मिला है। आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का दिन है। ऐसे ही अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था। देश उन प्रयासों को याद रखे, इसी उद्देश्य से 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। मैं पूरे देश को हमारे लोकतंत्र के इस अहम पर्व के लिए बधाई देता हूं। साथियों, आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ भी जुड़ी हुई है। 2008 में पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोल दिया था। इस हमले में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी, अनेक देशों के लोग मारे गए थे। मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जांबाज शहीद हुए थे, मैं उन्हें भी नमन करता हूं। मुंबई हमले के जख्म भारत भूल नहीं सकता। अब आज का भारत नई नीति, नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है। मुंबई हमले जैसी साजिशों को नाकाम कर रहे, आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने वाले, भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षा बलों का भी आज मैं वंदन करता हूं। साथियों,
एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यू हैव ए की रोल इन अवर डेमोक्रेसी। आप सभी पीठासीन अधिकारी कानून निर्माता के रूप में संविधान और देश के सामान्य मानवी को जोड़ने वाली एक बहुत अहम कड़ी है। विधायक होने के साथ साथ आप सदन के स्पीकर भी हैं। ऐसे में हमारे संविधान की तीनों महत्वपूर्ण अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में आप बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। आपने अपने सम्मेलन में इस पर काफी चर्चा भी की है। संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की अपनी भूमिका होती है, लेकिन स्पीकर लॉ मेकिंग बॉडी का फेस होता है, इसलिए स्पीकर एक तरह से संविधान के सुरक्षा के कवच का पहला प्रहरी भी है। साथियों, संविधान के तीनों अंगों की भूमिका से लेकर मर्यादा तक सब कुछ संविधान में ही वर्णित है। 70 के दशक में हमने देखा था कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर की मर्यादा को भंग करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इसका जवाब भी देश को संविधान से ही मिला। बल्कि इमरजेंसी के उस दौर के बाद चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम मजबूत से मजबूत होता गया। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही उस कालखंड से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े हैं। आज भी वो सीख उतनी ही प्रासंगिक है। बीते 6-7 सालों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सामंजस्य को और बेहतर करने का प्रयास हुआ है। साथियों, इस तरह के प्रयासों का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है जनता के विश्वास पर। कठिन से कठिन समय में भी जनता की आस्था इन तीन अंगों पर बनी रहती है। ये हमने इन दिनों इस वैश्विक महामारी के समय भी बखूबी देखा है। भारत की 130 करोड़ से ज्यादा जनता ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है, उसकी एक बड़ी वजह सभी भारतीयों का संविधान के तीनों अंगों पर पूर्ण विश्वास है। इस विश्वास को बढ़ाने के लिए निरंतर काम भी हुआ है। महामारी के इस समय में देश की संसद ने राष्ट्रहित से जुड़े कानूनों के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, महत्वपूर्ण कानूनों के लिए जो तत्परता और प्रतिबद्धता दिखाई है, वह भी अभूतपूर्व है। इस दौरान संसद के दोनों सदनों में तय समय से ज्यादा काम हुआ है। सांसदों ने अपने वेतन में भी कटौती करके अपनी प्रतिबद्धता जताई है। अनेक राज्यों के विधायकों ने भी अपने वेतन का कुछ अंश देकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग दिया है। आई वॉन्ट टू अप्रिसिएट ऑल दीज एफर्ट्स। इन द कोविड टाइम्स दिस स्टेप्स प्ले अ लीडिंग रोल इन बूस्टिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस। साथियों, कोरोना के इस समय में हमारी चुनाव प्रणाली की मजबूती भी दुनिया ने देखी है। इतने बड़े स्तर पर चुनाव होना
समय पर परिणाम आना, सुचारू रूप से नई सरकार का बनना, ये इतना भी आसान नहीं है। हमें हमारे संविधान से जो ताकत मिली है वो ऐसे हर मुश्किल कार्यों को आसान बनाती है। हमारा संविधान 21वीं सदी में बदलते समय की हर चुनौती से निपटने के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। नई पीढ़ी के साथ उसका जुड़ाव बढ़े, ये दायित्व हम सभी पर है। आने वाले समय में संविधान 75 वर्ष की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार से आजाद भारत की 75 वर्ष का होना वाला है। ऐसे में व्यवस्थाओं को समय के अनुकूल बनाने के लिए, बड़े कदम उठाने के लिए हमें संकल्पित भाव से काम करना होगा। राष्ट्र के रूप में लिए गए हर संकल्प को सिद्ध करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका उसको बेहतर तालमेल के साथ काम करते रहना है। हमारे हर निर्णय का आधार एक ही तराजू से तोलना चाहिए, एक ही मानदंड होना चाहिए, और वो मानदंड है राष्ट्रहित। राष्ट्रहित यही हमारा तराजू होना चाहिए। हमें ये याद रखना है कि जब विचारों में देशहित, लोकहित उसके बजाय राजनीति हावी होती है तो उसका नुकसान देश को उठाना पड़ता है। जब हर कोई अलग अलग सोचता है तो क्या परिणाम होते हैं उसका गवाह आप दो दिन से जहां विराजमान हैं, वो सरदार सरोवर डैम भी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, केवड़िया प्रवास के दौरान आप सभी ने सरदार सरोवर डैम की विशालता देखी है, भव्यता देखी है, उसकी शक्ति देखी है, लेकिन इस डैम का काम बरसों तक अटका रहा, फंसा रहा। आजादी के कुछ वर्षों के बाद शुरू हुआ था और आजादी के 75 वर्ष जब सामने आए हैं, अभी कुछ साल पहले वो पूरा हुआ। कैसी कैसी बाधाएं, कैसे कैसे लोगों के द्वारा रुकावटें, किस प्रकार से संविधान का दुरुपयोग करने का प्रयास हुआ, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जनहित का प्रोजेक्ट इतने सालों तक लटका रहा। आज इस डैम का लाभ गुजरात के साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोगों को भी हो रहा है। इस बांध से गुजरात की 10 लाख हेक्टेयर जमीन को, राजस्थान की 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हुई है। गुजरात के 9000 से ज्यादा गांव राजस्थान और गुजरात के अनेकों छोटे बड़े शहरों को घरेलू पानी की सप्लाई इसी सरदार सरोवर बांध की वजह से हो पा रही है। और जब पानी की बात आती है तो मुझे एक प्रसंग भी याद आता है। जब नर्मदा का पानी अनेक विवादों में रहा, अनेक संकटों से गुजरे, आखिरकार कुछ रास्ते निकले, लेकिन जब राजस्थान को पानी पहुंचाया तो भैरव सिंह जी शेखावत और जसवंत सिंह जी दोनों गांधीनगर स्पेशली मिलने आए। मैंने पूछा क्या काम है, बोले आकर के बताएंगे। वो आए और मुझे उतना उन्होंने अभिनंदन दिए, इतने आशीर्वाद दिए, इतनी बरकत, इतना प्यार, इतनी भावना। क्या, अरे बोले भाई, इतिहास गवाह है कि पानी के बूंद के लिए भी युद्ध हुए हैं, लड़ाइयां हुई हैं।
दो दो परिवारों के बीच बंटवारा हो गया है, बिना कोई संघर्ष, बिना कोई झगड़े गुजरात से नर्मदा का पानी राजस्थान पहुंच गया, राजस्थान की सूखी धरती को अपने पानी पहुंचाया। ये हमारे लिए इतने गर्व और आनंद का विषय है और इसलिए हम तुम्हें मिलने आए हैं। आप देखिए, ये काम अगर पहले हुआ होता, इसी बांध से जो बिजली पैदा हो रही है उसका अधिकांश लाभ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को हो रहा है। साथियों, ये सब बरसों पहले भी हो सकता था। लोक कल्याण की सोच के साथ, विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता के अप्रोच के साथ ये लाभ पहले भी मिल सकते थे, लेकिन बरसों तक जनता इनसे वंचित रही। और आप देखिए, जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें कोई पश्चाताप नहीं। इतना बड़ा राष्ट्रीय नुकसान हुआ, बांध की लागत कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन जो इसके जिम्मेदार थे उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। हमें देश को इस प्रवृत्ति से बाहर निकालना है। साथियों, सरदार पटेल की इतनी विशाल प्रतिमा के सामने जाकर दर्शन करके आप लोगों ने भी नई ऊर्जा महसूस की होगी, आपको भी एक नई प्रेरणा मिली होगी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये हर भारतीय का गौरव बढ़ाती है। और जब सरदार पटेल स्टैच्यू बना है, वो जनसंघ के मेंबर नहीं थे, भाजपा के मेंबर नहीं थे, कोई राजनीतिक छुआछूत नहीं। जैसे सदन में एक भाव की आवश्यकता होती है, वैसे देश में भी एक भाव की आवश्यकता होती है। ये सरदार साहब का स्मारक उस बात का जीता जागता सबूत है कि जहां कोई राजनीतिक छुआछूत नहीं है, देश से बड़ा कुछ नहीं होता, देश के गौरव से बड़ा कुछ नहीं होता। आप कल्पना कर सकते हैं, 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण के बाद करीब करीब 46 लाख लोग, 46 लाख, यहां इस सरदार साहब स्टैच्यू को अपना नमन करने के लिए आए हैं। कोरोना की वजह से 7 महीनों तक स्टैच्यू दर्शन बंद नहीं हुए होते तो यह आंकड़ा और ज्यादा होता। मां नर्मदा के आशीर्वाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये पूरा केवड़िया शहर भारत के भव्यतम शहरों में शामिल होने के लिए तेजी से खड़ा हो रहा है। सिर्फ कुछ ही वर्षों में, और अभी ये गवर्नर श्रीमान आचार्य जी ने बड़े विस्तार से इसका वर्णन किया है, कुछ ही वर्षों में इसका स्थान का कायाकल्प हो गया है। जब विकास को सर्वोपरि रखकर, कर्तव्य भार को सर्वोपरि रखकर काम होता है तो परिणाम भी मिलते हैं। आपने देखा होगा, इन 2 दिन दरमियान आपको कई गाइड से मिलना हुआ होगा, कई व्यवस्था में जुड़े हुए लोगों से मिला। ये सारे नौजवान बेटे बेटियां इसी इलाके की हैं, आदिवासी परिवारों की बच्चियां हैं। और आपको जब बताती होगी, बहुत एग्जैक्टनेस शब्दों का उपयोग करती हैं, आपने देखा होगा, ये ताकत हमारे देश में पड़ी है, हमारे गांव के अंदर भी ये ताकत पड़ी है, सिर्फ थोड़ी राख हटाने की जरूरत है, वो एकदम से प्रज्वलित हो जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, विकास के इन कार्यों ने यहां के आदिवासी भाई बहनों को भी एक नया आत्मविश्वास दिया है। साथियों, हर नागरिक का आत्मसम्मान हो, आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है, हमारा भी ये निरंतर प्रयास है। ये तभी संभव है जब हम सभी अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों का स्रोत मानेंगे, अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। कर्तव्यों पर संविधान पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है, लेकिन पहले के दौर में उसे ही भुला दिया गया।
चाहे सामान्य नागरिक हो, कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि हो, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े लोग हो, हर व्यक्ति, हर संस्थान के लिए कर्तव्यों का पालन बहुत प्राथमिकता है, बहुत जरूरी है। संविधान में तो हर नागरिक के लिए ये कर्तव्य लिखित रूप में भी है, और अभी हमारे स्पीकर आदरणीय बिरला जी ने कर्तव्यों के विषय में विस्तार से हमारे सामने विषय भी रखा। फ्रेंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज मैनी स्पेशल फीचर्स, बट वन वेरी स्पेशल फीचर इज द इंपॉर्टेंस गिवन टू ड्यूटीज। महात्मा गांधी हिमसेल्फ वॉज वेरी कीन अबाउट दिस। ही सॉ अ क्लोज लिंक बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। ही फेल्ट दैट वंस वी परफॉर्म अवर ड्यूटीज, राइट्स विल बी सेफ गार्डेड। साथियों, अब हमारे प्रयास ये होने चाहिए कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ और ज्यादा व्यापक हो। इसके लिए संविधान को जानना समझना भी बहुत जरूरी है। आजकल हम सब लोग सुनते हैं KYC, ये बहुत कॉमन शब्द है, हर कोई जानता है। KYC का मतलब है नो योर कस्टमर। ये डिजिटल सुरक्षा का एक बड़ा अहम पहलू बना हुआ है। उसी तरह KYC एक नए रूप में, KYC यानी नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान सुरक्षा कवच को भी मजबूत कर सकता है। इसलिए मैं संविधान के प्रति जागरूकता के लिए निरंतर अभियान चलाते रहना ये देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक मानता हूं। विशेषकर स्कूलों में, कॉलेजों में हमारी नई पीढ़ी को इससे बहुत करीब से परिचय करना हो चुका। आई वुड अर्ज यू ऑल टू टेक इनिशिएटिव दैट मेक एस्पेक्ट्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन मोर पॉपुलर अमंग अवर यूथ, दैट टू थ्रू इनोवेटिव मेथड्स। साथियों, हमारे यहां बड़ी समस्या ये भी रही है कि संवैधानिक और कानूनी भाषा उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती है जिसके लिए जो कानून बना है। मुश्किल शब्द, लंबी लंबी लाइनें, बड़े बड़े पैराग्राफ, क्लोज सब क्लोज, यानी जाने अनजाने एक मुश्किल जाल बन जाता है। हमारे कानूनों की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके। हम भारत के लोगों ने इस संविधान खुद को दिया है, इसलिए इसके तहत लिए गए हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा कनेक्ट महसूस करे, ये सुनिश्चित करना होगा। इसमें आप जैसे पीठासीन अधिकारियों की बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। इसी तरह समय के साथ जो कानून अपना महत्व खो चुके हैं उनको हटाने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए। अभी हमारे माननीय हरिवंश जी ने उसके विषय में अच्छे उदाहरण दिए हमारे सामने। ऐसे कानून जीवन आसान बनाने के बजाय बाधाएं ज्यादा बनाते हैं। बीते सालों में ऐसे सैकड़ों कानून हटाए जा चुके हैं, लेकिन क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते जिससे पुराने कानूनों में संविधान की तरह ही पुराने कानूनों को रिपील करने की प्रक्रिया स्वतः चलती रहे। अभी कुछ कानूनों में सनसेट क्लॉज की व्यवस्था शुरू की गई है। अब एप्रोप्रिएशन एक्ट और कुछ और दूसरे कानूनों में भी इसका दायरा बढ़ाने पर विचार चल रहा है। मेरा सुझाव है कि राज्य की विधानसभाओं में भी इस प्रकार की व्यवस्था सोची जा सकती है,
ताकि पुराने अनुपयोगी कानूनों को स्टैट्यूट बुक से हटाने के लिए प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स में बचा जा सके। इस प्रकार की व्यवस्था से कानूनी कंफ्यूजन बहुत कम होगा और सामान्य नागरिकों को भी आसानी होगी। साथियों, एक और विषय है और वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है, वो चुनावों का। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए, इसके लिए हमें सबसे पहले रास्ता बनाना होगा। आज हर एक के लिए अलग अलग वोटर लिस्ट है, हम क्यों खर्चा कर रहे हैं, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अब हर एक के लिए 18 साल से ऊपर तय है, पहले तो उम्र में फर्क था इसलिए थोड़ा वो रहा, अब कोई जरूरत नहीं है। साथियों, डिजिटाइजेशन को लेकर संसद में और कुछ विधानसभाओं में कुछ कोशिशें हुई है, लेकिन अब पूर्ण डिजिटलीकरण करने का समय आ चुका है। अगर आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इसमें जुड़े इनिशिएटिव लगे लेंगे तो मुझे विश्वास है कि हमारे विधायक गण, सांसद गण भी तेजी से ये टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लेंगे। क्या आजादी के 75 वर्ष को देखते हुए आप इससे जुड़े लक्ष्य तय कर सकते हैं, कोई टारगेट तय करके यहां से जा सकते हैं? साथियों, आज देश के सभी विधायी सदनों को डेटा शेयर करने की दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है ताकि देश में एक सेंट्रल डेटाबेस हो, सभी सदनों के कामकाज का एक रियल टाइम ब्यौरा आम नागरिक को भी उपलब्ध हो और देश के सभी सदनों को भी ये उपलब्ध हो। इसके लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के रूप में एक आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले से ही विकसित किया जा चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द अडॉप्ट करें। अब हमें अपनी कार्यप्रणाली में ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, पेपरलेस तौर तरीकों पर बल देना चाहिए। साथियों, देश को संविधान सौंपते समय संविधान सभा इस बात को लेकर एकमत थी कि आने वाले भारत में बहुत सी बातें परंपराओं से भी स्थापित होगी। संविधान सभा चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां ये सामर्थ्य दिखाएं और नई परंपराओं को अपने साथ जोड़ते चले। हमें अपने संविधान के शिल्पियों की इस भावना का भी ध्यान रखना है। पीठासीन अधिकारी होने के नाते आप सभी क्या नया कर सकते हैं, कौन सी नई भी चीज जोड़ सकते हैं, इस दिशा में भी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तो देश के लोकतंत्र को एक नई ताकत मिलेगी। विधानसभा की चर्चाओं के दौरान जन भागीदारी कैसे बढ़े, आज की युवा पीढ़ी कैसे जुड़े, इस बारे में भी सोचा जा सकता है। अभी दर्शक दीर्घाओं में लोग आते हैं, चर्चा भी देखते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को बहुत नियोजित तरीके से भी किया जा सकता है। जिस विषय पर चर्चा हो उस विषय के अगर संबंधित लोग वहां रहे उस दिन तो ज्यादा लाभ होगा। जैसे मानो शिक्षा से जुड़ा कोई विषय हो तो विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, यूनिवर्सिटी के लोगों को बुलाया जा सकता है। सामाजिक सरोकार से जुड़ा कोई अन्य विषय हो तो उससे संबंधित समूह को बुलाया जा सकता है। महिलाओं के संबंधित कोई विषय की चर्चा हो तो उनको बुलाया जा सकता है। इसी तरह कॉलेजों में भी
मॉक पार्लियामेंट को बढ़ावा देकर हम बहुत बड़ी मात्रा में इसको प्रचारित कर सकते हैं और हम स्वयं भी उससे जुड़ सकते हैं। कल्पना करिए, यूनिवर्सिटी के छात्रों के संसद हो और आप खुद उसे संचालित करें, इससे विद्यार्थियों को कितनी प्रेरणा मिलेगी, कितना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये मेरे सुझाव भर हैं। आपके पास वरिष्ठता भी है, आपके पास अनुभव भी है। मुझे विश्वास है कि ऐसे अनेक प्रयासों से हमारी विधायी व्यवस्थाओं पर जनता का विश्वास और मजबूत होगा। एक बार फिर इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित करने के लिए मैं स्पीकर महोदय का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैंने ऐसे ही सुझाव दिया था, लेकिन स्पीकर साहब ने केवड़िया में इस कार्यक्रम की रचना की। गुजरात के लोगों की मेहमान नवाजी तो बहुत अच्छी होती ही होती है, वैसे हमारे देश के हर कोने में स्वभाव है, तो उसमें तो कोई कमी नहीं आई होगी, ऐसा मुझे पूरे विश्वास है। लेकिन इसको देखने के बाद हो सकता है आपके मन में कई अच्छे नए विचार आए हों। अगर वहां वो विचार अगर पहुंचा देंगे तो जरूर उसका लाभ होगा इसके विकास में, क्योंकि एक पूरे राष्ट्र के लिए एक गौरवपूर्ण जगह बनी है, उसमें हम सबका योगदान हो। क्योंकि इसके मूल में आपको याद होगा, हिंदुस्तान के हर गांव से किसानों ने खेत में जो औजार उपयोग किया था, वैसा पुराना औजार इकट्ठा किया था हिंदुस्तान के 6 लाख गांव से, और उसको यहां पर मेल्ट करके इस स्टैच्यू बनाने में किसानों के खेत में उपयोग किए गए औजार का में से लोहा निकालकर इस स्टैच्यू में उपयोग किया गया है। यानी इसके साथ एक प्रकार से हिंदुस्तान का हर गांव हर किसान जुड़ा हुआ है। साथियों, नर्मदा जी और सरदार साहब के सानिध्य में ये प्रवास आपको प्रेरित करता रहे, इसी कामना के साथ आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।